बड़ी खबर आपको बता दें, पोलैंड से यूक्रेन पहुंचे पीएम मोदी 10 घंटे की ट्रेन यात्रा कर कीव पहुंचे। पीएम मोदी और ज़ेलेंस्की की चौथी मुलाकात होने वाली है। कीव स्टेशन पर पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम होता है। पीएम नरेंद्र मोदी पोलैंड से यूक्रेन की राजधानी कीव के लिए कल रात करीब 9 बजे रवाना हो गए थे। आज यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करने वाले हैं। 600 किलोमीटर का सफर रेल फोर्स 1 से तय करके पीएम मोदी कीव पहुंचे हैं। तो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, होटल की तस्वीरें हैं जहां पर उनका ग्रैंड वेलकम होता है। भारतीय झंडे आप देख सकते हैं, यहां पर मोदी मोदी के नारे गूंजे, भारत माता की जय के नारे गूंजे, क्योंकि पीएम मोदी होटल पहुंचे। यहां पर कुछ देर विश्राम करने के बाद वो आगे का जो उनका कार्यक्रम है उसमें पहुंचेंगे और आज ज़ेलेंस्की से उनकी मुलाकात होने वाली है। 2 साल में तीसरी मुलाकात उनकी होगी, लेकिन ये दौरा कई मायनों में अहम है। पहला ये कि किसी भारतीय पीएम की पहली यूक्रेन यात्रा, दूसरा ये कि अभी तक अगर हमने देखा कि नेटो देशों के अलावा कोई और देश का पीएम नहीं पहुंचा कि पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं, और कुछ हफ्तों पहले वो रूस की यात्रा पर गए थे, कुछ हफ्ते बाद ये यूक्रेन की यात्रा पर पहुंचे हैं। तो संदेश बड़ा है और ये तस्वीरें इसलिए खास हो जाती है क्योंकि प्रवासी भारतीय जो कि बड़ी तादाद में रहते हैं वो एक झलक पाने के लिए बेताब थे, होटल पहुंच जाते हैं। होटल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और पीएम मोदी भी उनको निराश नहीं करते हैं, सेल्फी यहाँ पर लेते हैं और काफी देर से उनका इंतजार हो रहा था। ढोल नगाड़े बजते हैं, ये कीव के होटल में ये सब होता है। और देखिए कि कैसे पीएम मोदी भी उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए उनसे मिलते हुए औपचारिक तौर पर भी वो मिलेंगे प्रवासी भारतीयों से। एक छोटा सा कार्यक्रम है, इसके बाद वो ज़ेलेंस्की से मुलाकात करने वाले हैं। क्या एजेंडा रहेगा, क्या संदेश देते हैं, ये देखना होगा। आज यहाँ पे आया हूँ, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए हैं। मैं उनको प्राउड, उन्होंने हमें प्राउड करवाया है कि प्राउड टू बी इंडियन एंड मैं और यहाँ एक्साइटेड हूँ बहुत देखने के लिए। और ये जो मीटिंग है आज की, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी की जो फर्स्ट डे से हमारा एम जो था उनका वॉर को स्टॉप करवाना है, और मैं अगर मेरी चांस अभी मुझे मिला तो मैं इसी टॉपिक पर बात करूँगा अगर मुझे चांस मिला तो। मैं भी जयपुर जिया से आया हुआ हूँ, काफ़ी दूर से हम लोग ट्रेवल करके आए हैं स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए, और काफ़ी एक्साइटेड हम लोग इस चीज़ के लिए क्योंकि अगर हम इंडिया में रहते तो शायद मुश्किल होता शायद मोदी से इतना नज़दीक से देखने का और मिलने का, बट यहाँ एक अपॉर्चुनिटी है कि हम उनको बहुत पास से देखेंगे और हो सकता है अगर बात करने का मौका मिला तो बात कर लेंगे। तो बहुत पास से उनको देखेंगे, ये मौका है ये यहाँ पर लोग बोलते हुए। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, आपको बताएं कि 7 घंटे पीएम मोदी कीव में रुकने वाले हैं। इससे पहले वो वॉर्सो पहुंचे थे, पोलैंड की राजधानी, वहाँ पर 27 घंटे वो रुके थे और उन्होंने ये संदेश दिया, एक बड़ा संदेश दिया कि रणभूमि में किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। लेकिन इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि ज़ेलेंस्की से वो मिले हैं, लेकिन यूक्रेन की धरती पर पहली बार ज़ेलेंस्की से उनकी मुलाकात हो रही है। ऐसे में उन्होंने जो संदेश दिया है कि भारत वार्ता के पक्ष में है और बातचीत के जरिए ही समाधान हो सकता है। 3 तस्वीरें आप देखिए, पीएम मोदी का काफिला कीव पहुंचा और उसके बाद उनका ग्रैंड वेलकम वहां पर होता है, भव्य स्वागत होता है, ऐतिहासिक है, ज़ेलेंस्की से मुलाकात होने वाली है और इस दौरे पर पूरी दुनिया की नजर है।